गली ना 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 गली ना 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 ना। आंटी जी आपको ये पता है? अरे यार भैया बटुकचंद जी यहाँ ही रहते हैं का? अरे कौन हो भैया? अरे पांडे जी और कृष्ण भाव। बस ठीक है चलो घर पर चलकर बात करते हैं। अरे वाह कितना खूबसूरत शहर है आपका, हम का कुछ घुमाएंगे ना ही? अरे क्यों नहीं घुमाएंगे, चलो आज तुम्हें मुंबई दर्शन कराते हैं। तू देखो वो है हाजी अली, वो एक दरगाह है जो पानी के बीच में है। पानी का बीच में? हाँ। और तू देखो वो है महालक्ष्मी, ये दुर्गा माता का मंदिर है। और चला चला ये है जुहू चौपाटी, यहाँ अमिताभ बच्चन जी, पता है अमिताभ बच्चन? हाँ वो यहाँ रहते हैं। वाह वाह कितना सुंदर शहर है आपका। तो फिर और एक बात है, ये दीवारों पर पान गुटके की पीक से सारा दृश्य खराब हो जाता है। भाई हमें ये बताओ, पान अगर यहाँ खाएंगे तो थूकने क्या बनारस जाएंगे? तो मुझे ये बताओ क्या आप पान घर पर भी खाते हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है, बिल्कुल खाते हैं। पर आपके घर की दीवारों पर मैंने एक भी दाग नहीं देखा। अरे मरवाओगे कहा, बीवी को है साफ सफाई का बड़ा ख्याल, घर की दीवारों पर थूका तो कर देगी वो बुरा हाल। यही बात है, अगर घर की दीवारों की तरह बाहर की दीवारों का भी रखेंगे ख्याल तो सिर्फ मुंबई ही नहीं सारा राष्ट्र होगा स्वच्छ और खुशहाल। सारा राष्ट्र होगा स्वच्छ और खुशहाल। सारा राष्ट्र होगा स्वच्छ और खुशहाल। घी के पान बनारस वाला, घी के पान बनारस वाला, करबत बंद अकल माताला, घी के पान बनारस वाला, करबत बंद अकल माताला। ओ हट कर दीवारों पे लाल, गंदगी से हो जाए बेहाल, ओ मत बन गंदा फैलाने वाला, ओ मत बन गंदा फैलाने वाला। अरे राम दुहाई झाला, ये कैसा है घोटाला, पढ़े लिखे हो भी क्यों करते हो घोटाला। रख सफाई रहो खुशहाल, हो मत बन गंदा फैलाने वाला, हो मत बन गंदा फैलाने वाला, हो मत बन गंदा फैलाने वाला, हो मत बन गंदा फैलाने वाला। अरे हाता रोहन है, अरे देवा रोहन हे काय करतोस तू, पूर्ण मोहल्ल्याच्या समोर माझी इज्जतची भाजीपाली करून ठेवलीस। पिताजी कल हमारी टीचर ने हमें एक बात बताई, घर आंगन के साथ बाहर भी तो करनी होगी सफाई, तभी तो देश चमकेगा और हम सब चमकेंगे। कूड़ा कचरा धरा प्रदूषण फिर न याद हम कहेंगे। लगता जितना सरल उतना सरल ये काम नहीं, ये वो काम है जिसके मिलते कोई दाम नहीं। अरे फुकट से काम करतोस तू, पण करायचे तर कर, पण लक्षात ठेव ह्याच्यावर जर अभ्यासावर काही झालं तर ठेवून एक तुला खेचून। बाबा सब कहते हैं कि देश को
साफ रखना चाहिए, पर मुझे लगता है सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए मैं तो मेरी जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ और देश को स्वच्छ बनाना चाहता हूँ। अरे वेड़िया, बात पते की तूने मुझे बताई, पर क्या तेरे मेरे करने से रह पाएगी सफाई? क्या तेरे मेरे करने से रह पाएगी सफाई? अरे बोल बोल, क्या तेरे मेरे करने से रह पाएगी सफाई? Start now cleaning city, let's take it as a duty for us. Don't feel embarrassed, we start now cleaning city, let's take it as a duty for us. Don't feel embarrassed. Hey, Bharat jhala kachra hai bahu mat ki asaliya. घरात झाला कचरा हे बघूनच की अस आली, मग शहरात झाला कचरा तर सारी झाली या। घरात झाला कचरा हे बघूनच की अस आली आणि शहरात झाला कचरा दुगराई सारी झाली, मग गल्लीत टाकतो या आणि रस्त्यावर फेकतो या, आणि फेकून कचरा जागो जागी ढिगा लागतो या, मग गल्लीत टाकतो या मग रस्त्यावर फेकतो या, फेकून कचरा जागो जागी ढिगा लागतो या। अरे साफ कर घरात, साफ कर दारात, साफ कर शहरात या, चल कर झाडझुड झाडझुड झाड घरात, झाडझुड झाडझुड झाड शहरात, झाडझुड झाडझुड झाड शहरात, झाडझुड झाडझुड झाड चल कर झाडझुड झाडझुड झाड घरात, झाडझुड झाडझुड झाड घरात, झाडझुड झाडझुड झाड शहरात, झाडझुड झाडझुड झाड। We start now cleaning city, let's take it as a duty for us. Don't feel embarrassed. भाई सफाई का तो ठीक है, पण या वासाचा काहीतरी कर रोहन। अरे कुछ भी कर लो, ये समस्या तो रहेगी ही, पर ये बदबू आ कैसे रही है? अरे ये रेलवे लाइन के पास रहने के साइड इफेक्ट्स है, शौचालय तो घरों में नहीं होते, इसके लिए बाहर गंदगी फैलाते हैं। अच्छी, मगर सरकार ने जगह जगह पे पब्लिक टॉयलेट बनाए हैं, तो ये लोग इसका क्यों नहीं करते? शौचालय तो बनाई है पर वो दूर दूर है और उसे इस्तेमाल करने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं, तो ऐसे में बेचारे खुले वातावरण का मजा लेते हैं। इससे तो कई बीमारियां फैल सकती है। हाँ मेरे पास इसका हल है, यदि शौचालय बनवाना इतना ही महंगा है तो 3 से 4 परिवार मिलकर एक शौचालय बनवाए और अपने परिवार को खुले में शौच करने से बचाए। हाँ और सरकार उन्हें पैसे देकर भी मदद कर रही है जिनके पास शौचालय बनाने के लिए पैसे नहीं है, इससे न होगी कोई बदबू न कोई बीमारियां और महक उठेगी हर गली हर क्यारी, महक उठेगी हर गली हर क्यारी, महक उठेगी हर गली हर क्यारी। याद आया, दुनिया चली मत पे चांद जमी पे बिक रहे हो, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट से करल हुआ अब 3D में सब बिक रहे हो। अरे दुनिया चली मत पे चांद जमी पे बिक रहे हो, अरे ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हुआ अब 3D में सब बिक रहे हो। हजारों चढ़े एवरेस्ट पहाड़, हजारों चढ़े एवरेस्ट पहाड़, भैया धाड़ 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 कर ले अब तक तो ये जुगाड़, भैया धाड़ 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 कर ले अब तक तो ये जुगाड़, तो चकले गए पेड़ों की आड़, भैया धाड़ 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 कर ले अब तक तो ये जुगाड़, भैया धाड़ 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 कर ले अब तक तो ये जुगाड़, अब तक तो ये बहुत ही कचरा फैल चुका है। अरे अरे माँ ये क्या कर रही हो,
गीला और सूखा कचरा एक ही डिब्बे में क्यों भर रही हो? क्या मतलब? अब तू मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना है? घर पर एक ही डिब्बा है तो गीला और सूखा कचरा कहाँ डालूं? तेरे सिर पर? आजकल कचरे के डिब्बे आते हैं दो, गीला कचरा हरे डब्बे में डालो और सूखा नीले में डालो। अरे नादान, तेरे कहने पर मैं ये कर भी लूं, पर दूसरे मोहल्ले वाले क्या आप सब ये करोगे? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं। इसका मतलब गई भैंस पानी में। माँ, अगर सभी लोग ऐसे ही सोचेंगे तो क्या होगा इस देश का हाल? बोलो माँ, क्या होगा इस देश का हाल? क्या होगा इस देश का हाल? भी सुन लो चाहूँ मैं जो बतलाना, गणपति का त्योहार जो तुमको मनाना, मिट्टी की मूर्ति तुम गणपति की लाना, जिसकी पूजा करके आशीर्वाद पाना, घर के पानी में विसर्जन करवाना, ऐसा कर पर्यावरण को बचाना, चाहे जितना अच्छा भोग चढ़ाना, प्रसाद प्लास्टिक में मत खिलाना, कोई भी कचरा कहीं ना गिराना, गीले सूखे कचरे को अलग ही रखना, पटाखे रास्तों पर मत जलाना, इजी रखना ट्रैफिक का आना जाना, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है ये मन में ना लाना, खुद अच्छा करके औरों को दिखलाना, ये तुम समझो तो दूसरों को समझाना, स्वच्छता और शांति को आगे बढ़ाना, जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, स्वच्छता रखने के लिए रखो सद्बुद्धि, जय देव जय देव। अरे वाह, लाल लाल रसीले टमाटर, अरे वाह गुलाब, अरे वाह मोनू, तेरे बगीचे में तो बहुत अच्छी सब्जी और फल उग रहे हैं, मेरे यहाँ की तो मिट्टी खराब है, जो उगाऊं सब सूख जाता है। अरे मिट्टी से कुछ नहीं होने वाला, उसमें खाद डालो फिर देखो। खाद? ये क्या बला है? खाद यानी कॉम्पोस्ट, इसे मराठी में खत भी कहते हैं। अच्छी बात है, वैसे तुम ये खाद मंगवाते कहाँ से हो? मंगवाते? मुझे तो ये मुफ्त में मिलती है। क्या कहा? कॉम्पोस्ट, और वो भी मुफ्त में, कहाँ से? हमारी सोसाइटी ने मिलकर हमारी बिल्डिंग के पीछे एक कॉम्पोस्टर लगाया है। कॉम्पोस्टर? वो क्या होता है? कॉम्पोस्टर एक मशीन है जिसमें हम अपने रसोई का कचरा यानी फल सब्जियों के छिलके वगैरह डाल देते हैं, और कुछ ही दिनों के बाद हमें मिल जाती है ये सस्ती और उपजाऊ खाद। ये तो बढ़िया है, आम के आम और छिलकों के भी दाम। मेरे भी सोसाइटी में कॉम्पोस्टर लगवाना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ यहाँ की सारी सोसाइटी में कॉम्पोस्टर लगवाना चाहिए। वैसे मुझे पता है तू तो बड़ा ढक्कन, तुझे ये आइडिया आया कहाँ से? मेरा बेटा एमिटी ऋषिकुल विद्यालय में पढ़ता है। वहाँ उन्हें वातावरण से जुड़ी सारी चीजें सिखाई जाती है, कंपोस्ट बनाना भी उन्हें उसे वहाँ ही सीखा और फिर यहाँ आके हमें सिखा दिया। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। कंपोस्ट बनाना अगर हम अपनी आदत बना ले तो गीले और सूखे कचरे को अलग करना भी आसान हो जाएगा। फिर वो दिन दूर नहीं जब सारे जहां में सुंदर फल और फूल उगेंगे, और स्वच्छ अभियान, स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान जैसे अभियान सफल होंगे। स्वच्छ भारत जैसे अभियान सफल होंगे, स्वच्छ भारत जैसे अभियान सफल होंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा विदेशों में कितनी सफाई रहती है, और तो और जब हम वहां जाते हैं तो ना थूकते ना कचरा फैलाते हैं, तो हम अपने देश के साथ क्या कर रहे हैं?
अभी कुछ दिनों पहले की तो बात ले लो, पूरा मुंबई शहर पानी में डूब गया था और हम सभी को परेशानी हुई थी ना। हाँ, और इसकी वजह बारिश, अभी वो तो आएगी ना, लेकिन गटर नाले ये सब कूड़े कचरे से भर गए थे, प्लास्टिक से भर गए थे, तो फिर किधर जाएगा पानी, कैसे भाएगा पानी? क्या आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस ने पूरे विश्व में सुधार लाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं जिन्हें सस्टेनेबल गोल्स कहते हैं। हमें उन्हें अपनाना होगा और अपने देश को स्वच्छ बनाना होगा, तभी तो हम सही मायने में विकसित कहलाएंगे। तो आइए दोस्तों, गणेश उत्सव के इस पावन मौके पर हम ये प्रण लेते हैं कि पान गुटके की भीख से नहीं होने देंगे। हर गली हर मोहल्ले को मिलकर साफ करेंगे। हर घर में शौचालय हो इस बात का ख्याल रखेंगे। गीले और सूखे कचरे को अलग करके फेंकेंगे। बोलो गणपति बाप्पा, सफाई रखने की सद्बुद्धि दिया। बप्पा विघ्न हरता, सहस्र भक्त जन का तू एक करता धरता, द्वेष मुक्त मन वो तू जिसमें वास करता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा बोले हरे। विघ्न हरता है बप्पा विघ्न हरता, लगते रहे माथे पे जिसके भी निखरता, कर्म की कसौटी पे है खरा उतरता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा बोले हरे।